वैसे तो भारत धर्म प्रधान और आस्था एवं श्रद्धा से परिपूर्ण देश है, लेकिन यहाँ आस्था और श्रद्धा की कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो लोगों को वाकई चौंका देती हैं। कई बार लोग अंधविश्वास में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं, तो कई बार आस्था और विश्वास लोगों के जीवन को बदल देती है। ऐसी ही आस्था की तस्वीरें छतरपुर जिले के बरट गांव में देखने को मिली हैं, जहां एक चबूतरे के पास लगे पेड़ पर बे इंतहा सागरों को ठोका गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस चबूतरे में सकरिया गौण देवता का वास है और यहां पर मांगी गई हर एक मन्नत पूर्ण होती है। इसको लेकर यहां पर सांकर चढ़ाना आवश्यक होता है। यहां पर बड़ी संख्या में, कई क्विंटल की मात्रा में, हजारों की संख्या में सांकरें इस पेड़ पर ठोकी गई हैं, जो लोगों की मान्यताओं के पूर्ण होने पर ठोकी गई हैं। यहां पर ना तो कोई पंडा पुजारी बैठता है और ना ही यहां पर कोई भी ऐसा काम किया जाता है, बल्कि यहां दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राम बहादुर राजपूत। राम बहादुर जी, इस पेड़ में बहुत अधिक मात्रा में सांकरें लगी हुई हैं, क्या इसको लेकर इतिहास है, क्या मान्यता है? इतिहास ये है भाई साहब के जो भलो भाव अपनो तो सांकर चढ़ाई जाती, जुगन से चढ़ रही, जुगन से चढ़ रही। हाँ, इस पेड़ में होगा कम से कम सांकर कम से कम कई क्विंटल समा गई। हाँ, पेड़ जहाँ कहते हैं जी। तो इसको लेकर क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो सांकर चढ़ाई जाती है इससे किसका भला होता है? ऐसे जिसने जी ने आपने बोलो कि हमारा भला हो जाए बब्बा, तो इतने फांसी जैसे अपनी फांसी बोल गई, सजा बोल गई, तो बाप माफ हो गई। हाँ जी, सब लोगों के भले हुए, सबके भले हुए जी की जैसी मात्रा है। इनका नाम क्या है देवता? इनका देवता को है सकरिया बब्बा। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मूलचंद राजपूत। सर जी, इस पेड़ में इतनी ज्यादा सांकरें लटकी हुई है, क्या इसको लेकर मान्यता है और यहाँ पर जो स्थान का नाम है, क्या नाम है? इनका नाम है सकरिया गौण। अच्छा, इनके जो प्रार्थना करता है, जिसकी जो कुछ हो आपत्ति और प्रार्थना कर दे तो अच्छा हो जाता है, तो सांकर जरूर चढ़ाना पड़ती। बाकी जो और करना हो, जो पुनर्धर्म कन्या वगैरह जो कुछ जमाना हो वो अलग, लेकिन सांकर जरूर चढ़ाना पड़ती है। इस मंदिर को लेकर ये माना था कि यहाँ पर सांकर जरूर चढ़ाना, हाँ, चढ़ाई जाती है। तो कब से ऐसा है और कितने दिनों? अब ऐसा है, हम तो समझ रहे कि हमने अपनी खबर से तीन पीढ़ी से मतलब बतान मिल रही, देख बताते और ज्यादा है, ज्यादा समय से। हाँ, यहाँ पर ये सांकर ही क्यों चढ़ाई जाती है? सांकर इसलिए चढ़ाई थी कि उनका रिझान है, मतलब वे वो खुशी है उस चीज में। अच्छा, इस पेड़ में सांकर लगाने से ही वो खुश? हाँ, खुश होती है। तो यहाँ पर जो सांकर इतनी बड़ी मात्रा में लगाई जाती है, वैसे तो आप देखते हैं किसी भी एक पेड़ में लगा दी जाए, कोई भी पेड़ में कोई भी लोहे की वस्तु लगा दी जाए तो वो पेड़ सूख जाता है। ये पेड़ बड़ा हरा भरा है और सबसे बड़ी मतलब दिखाई जे ही उनकी सत्यता दिखाई दे रही कि एक सांकर एक कुछ सूख जाती है, लेकिन बढ़ना देखो लाखों सांकरें लगी हुई हैं और कुछ नहीं होता है। और पेड़ ज्यों का त्यों जैसी देख रहे वैसी आप वैसी देखा ऐसा ही रहता है। रहता है।